फ्रेंड्स, आज हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था का निर्धारण होता है कि ये संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसके विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार में पावर ऑफ सेपरेशन थ्योरी पाई जाती है, अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। यहाँ पर जो शासन विभाग का प्रधान होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगर हम डॉक्टर गार्नर के शब्दों में कहें तो उनके अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। इसका विश्लेषण हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में यानी कि सर्टेनिटी ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल के प्रति स्वतंत्र होते हैं, यानी कि विधानमंडल अर्थात लेजिस्लेचर चाहे तो कार्यपालिका को अपने पद से नहीं हटा सकता है और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उनके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं, अर्थात इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका कोई दायित्व नहीं होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गार्नर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज दैट सिस्टम इन विच द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and is responsible to it for his or their political policies. So in such a system the chief of the state is not merely the titular executive but he is real executive and actually exercises the power which the constitution and laws कन्फर्म अपॉन हिम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता, इट्स एंश्योर स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर इसके जो कार्यकाल है उसके बारे में निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है? क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत यहाँ पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अपने पद से नहीं हटा सकती है। इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट बिकम्स स्टेबल। वाई? बिकॉज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर and he cannot be removed from his office through a vote of no confidence, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता। he can be removed from his office through the purpose of impeachment, वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा, impeachment के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो government है वो क्या होती है? stable होती है। next है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। यहाँ पर जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है इन दोनों में का पृथक्करण पाया जाता है, अलग अलग होती हैं। देरिजा लेको यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पाई जाती है और इसी कारण यहाँ पर जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका होती हैं वो क्या होती हैं? अपने कार्य करती हैं और एक दूसरे से कोई ज़्यादा संबंधित नहीं होती है। देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर सेपरेट
फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव इक्वल स्टेटस बट इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर इन दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज अंडर द लेजिस्लेचर। हमने जैसा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि यहाँ पर व्यवस्थापिका के अंतर्गत कार्यपालिका होती है, उसके अंडर में कार्य करती है। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, अर्थात यहाँ आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ये उपयुक्त है। वी कैन से दैट इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वॉर एंड इमरजेंसी आफ्टर कंसल्टिंग हिज सेक्रेटरीज ही कैन टेक अ नंबर ऑफ डिसीजन इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग वॉर एंड इमरजेंसी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संसदात्मक शासन व्यवस्था में संभव नहीं होता है और वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती है जितना कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रशासन में एकता एवं कुशलता, इट लीड्स टू द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेसिडेंशियल अपॉइंट देयर सेक्रेटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड नो ऑन पॉलिटिकल बेसिस, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड नो टू द पार्लियामेंट। जबकि इसके विपरीत यहाँ पर क्या होता है कि दलबंदी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है प्रशासन में, ना कि उनकी कुशलता के आधार पर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिवली अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज सुटेबल फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली के लिए ये उपयुक्त होती हैं। क्यों उपयुक्त होती है? बिकॉज वेयर देर इज अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम देयर द गवर्नमेंट चेंजेस वेरी ऑफ्टन, जस्ट एज इन पाकिस्तान प्रियर टू 1958। बट इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द गवर्नमेंट डू नॉट चेंज सो क्विकली बिकॉज ऑल पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ही हैज नॉट टू डिपेंड अपॉन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एज ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुदलीय प्रणाली है उसके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीज, दलबंदी की बुराइयाँ कम होती है। क्यों होती है? बिकॉज एज कंपेयर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम देर इज लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीज इन दिस सिस्टम। The reason of this is that the entire administration is in the hand of the president who after having been elected does not depend upon the majority support in the parliament। क्योंकि यहाँ पर समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति के पास होने के कारण वो क्या होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव है। यहाँ की जो कैबिनेट होती है वो योग्यतम व्यक्तियों की होती है। क्यों होती है? जैसा कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर योग्यतम होने का मेन कारण यह है कि यहाँ पर पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, दलबंदी के अकॉर्डिंग नहीं, वरन किसके अकॉर्डिंग होता है, जो योग्य व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति यहाँ पर योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का ही निर्माण करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया जाता है। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम वी फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी, क्योंकि यह शासन पद्धति लोकतंत्रवाद के उस सिद्धांत से अधिक अनुकूल है जिसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह क्या नहीं होता है, दलीय दल गुटबंदी नहीं होती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पृथकता के सिद्धांत पर कार्य करने के कारण अच्छी तरह से अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती हैं। ये एक दूसरे से सेपरेट होती है और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है अर्थात राष्ट्रपति होता है,
वह अपनी इच्छा से अपनी समझ शक्तियों को इंजॉय करते हुए, समझ शक्तियों का उपभोग करते हुए जो परिस्थितियाँ होती है उस पर, जैसे जो इमरजेंसी में जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें यह बहुत अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक निर्णय भी ले सकता है और कार्य भी कर सकता है। कल हम इसके गुण दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।